ये प्लाटिंग नहीं होना होगा, रुक जाना नहीं तो सब पे क्रिमिनल केस हम ऊपर से। सर्वे नंबर 25 तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 1000 नौकरी दे सकते, 1000 आदमी बोल रहा हूँ मैं आपको। वक्फ बोर्ड में आज की तारीख में 3140 केसेस पेंडिंग है, 60 इम्प्लॉयज, 1,00,000 एकड़ जमीन के को कैसा हिफाजत करेंगे। दो हजार 21 हम वक्फ बोर्ड आए, यहाँ पे हम एक 5 मुद्दे लेके आए थे, जिसमें से खुतबुल्लापुर जहाँ पे मस्जिद खुबा है उसके अतराफ में कब्रस्तान है जिसकी बाउंड्री नहीं रहने से उसकी बेहुरमती हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं और गाड़ियाँ पार्क हो रहे हैं, बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम नुमाइंदगी करें चेयरमैन साहब से और चेयरमैन साहब इमीडिएटली हमा को तहफ़ुन दिए। हम यहाँ पे कंसर्नड ऑफिसर से भी मिले वक्फ बोर्ड के और उस एरिया के जो इंचार्ज है उनको भी ये लीड दिए, ये तमाम लोग हमको तहखुन दिए और खुतबुल्लापुर की तमाम टीम मेरे साथ आई, ये लोग मेरे को कांटेक्ट करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में करा देंगे बोले। आज हम ये एप्लीकेशन लिए और इसकी तमाम डिटेल दे दिए, इंशाल्लाह हम 10 दिन के बाद इसको फिर फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट हम टोली चौकी गुलशन कॉलोनी में एक मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर, वहाँ पे आए हैं हम। वहाँ पे ये मस्जिद थी पहले जो मस्जिद कुतुबशाही थी एक्चुअली, जिसको शहीद कर दे के तौसी कर दे के वहाँ जो प्लॉटिंग करे थे उस टाइम पे उसको तौसी करके बनाए। वहाँ के मस्जिद के ये मलगियाँ हैं, ये मलगियों को कोई गैर मामूली शख्स अपने जाती बतवाते हुए इस शटरों को तोड़ दिया बगैर ये वहाँ के मस्जिद के किरायेदारों को बोल के, जिससे किरायेदारों का काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के लोग मेरे से अप्रोच हुए, मैं उनके किराए के रिसिप्ट देखा, उसके बाद वहाँ के FIR पुलिस आके वहाँ पे FIR बुक करी, मगर इसकी इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के कानों तक नहीं गई, वहाँ के इंस्पेक्टर सुभान तक नहीं गई। उसके बाद जब आके हम यहाँ पे बातचीत करें तो वक्फ बोर्ड अब तहखुन दी कि वो मस्जिद के जो मलगियाँ हैं उसको मस्जिद में ही देंगी और वो मस्जिद के मलियों का जो नुकसान हुआ उसका काम करवाने देंगी और वो मस्जिद के मलियाँ फिर वापस बहाल हो जाएंगे और वो मस्जिद के लोग जो किराएदार है वो मस्जिद के मलियाँ इस्तेमाल कर सकेंगे और जो अनासर उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी FIR बुक होगा। तो मेरा बोलना ये है कि जो मसाजिद कुतुबशाही दौर की होती है उसके नाम मत चेंज करिए, अगर उसका कोई नाम भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम के साथ उसकी पुरानी फ़ोटो और उसका पुराना नाम रहने दीजिए, ताकि उसकी गजीट के हिसाब से वो मस्जिद का हक वो मस्जिद को मिल सके और उसके जितनी भी ज़मीन रह सकती मिल सकती। आज किसी को नहीं मालूम होगा ये मस्जिद पहले ऐसी थी, तो लिहाजा मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ नेचर ऑफ मस्जिद चेंज मत करिए, पुरानी मस्जिदों को शहीद मत करिए। आपको अगर तौसी करना है आवाम से चंदा करेंगे, आजू बाजू की बिल्डिंग खरीद के तौसी करेंगे, लेकिन एक म्यूजियम के तौर पे तो भी वो मस्जिद को रख दिए, वो मस्जिद गवाही देगी, हाईकोर्ट में भी वो मस्जिद गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट में भी मस्जिद गवाही देगी, अपने आंखों को भी वो मस्जिद गवाही देगी। मस्जिदों को शहीद मत करिए, पुराने मस्जिदों को नई तौसी के नाम पे। उसके बाद हम तीसरा मसला लेके आए थे जेडी मेटला में, एक अनुराग कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक गुम्बज है, उसकी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्लॉटिंग हो रही है। अभी चेयरमैन साहब MRO से बात करें रुकाते बोले। उसके बाद हम प्रीवियसली आए थे अंदगुल मारगुल मंडल में, जहाँ पे 10 एकड़ 35 घंटे वक्फ अराजी थी, उस अराजी के लिए आए थे, MRO को लेटर्स चले गए, अभी CEO साहब अभी सिग्नेचर करके लेटर्स दिए, अभी तो काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे हमको मेहनत बहुत करना पड़ता। वापस शादनगर का हम लाके दिए थे, शादनगर में वहाँ पे 11 एकड़ ज़मीन थी, 33 एकड़ थी जिसमें से 11 एकड़ प्लॉटिंग हो गई और रजिस्ट्री हो गई, ये तमाम चीज़ों के हम मसले लाके दिए, हमारे से जितना होता हम बिल्कुल कर रहे हैं और ये लोगों को भी हम उतना ही बोल सकते हैं जितना ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सियासतदान चुन के आए हैं, जो मुंतखब हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड में बोर्ड मेंबर्स है, ये उन तमाम का काम है। चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, 1,00,000 एकड़ के ऊपर वक्फ की जमीन है, 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, जिसमें से 20 तो बीमार रहते और कुछ आते नहीं, तो वक्फ बोर्ड 20 आदमी से एक ऑफिस नहीं चलती, छोटी सी वक्फ बोर्ड कैसा चलेगा। और वक्फ बोर्ड में आज की तारीख में 3140 केसेस पेंडिंग है, ना कोई
रजिस्टर ऑफिसर का इसका स्टेप पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रियां हो रहे हैं, वक्फ के प्लॉटिंग्स हो रहे हैं, घर बन जा रहे हैं, सब बन जा रहे हैं, बालापुर में भी सब बन गया, मुस्लिम खयादत होते हुए भी बन गया। तो इसके लिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए। जब आज ऐसा दौर चल रहा है आपका, आपकी इतनी लाखों एकड़ की वक्फ जायदाद है, ये आप नहीं बचा सक रहे और ये आप नहीं रोक सक रहे, तो कल आपका कुछ भी नहीं रहेगा। आज इतनी आप जायदाद रख के आप प्यून का काम कर रहे हैं, आप इतनी जायदाद रख के आज हम ऑटो चला रहे हैं, आज इतनी जायदाद रख के हम किन्नरी का काम कर रहे हैं। लिहाजा इसको यूटिलाइज करिए, इसको एजुकेशन के हिसाब में लीजिए, इसकी जो भी प्रॉपर्टी रहती है इसको सिक्योर करिए, और कम से कम यहाँ पे वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 1000 नौकरी दे सकते, 1000 आदमी बोल रहा हूँ मैं आपको, और हैदराबाद और सिकंदराबाद में 40 कम से कम ऑफिसर्स डालना पड़ेगा जो वक्फ के ज्यादा ना बचेंगे। एक आदमी कितना फिरेगा, 60 इंप्लॉयज 1,00,000 एकड़ जमीन के को कैसा हिफाजत करेंगे, 60,000 के हिसाब से करेंगे, 6,000 के हिसाब से करेंगे, नहीं कर सकते। तो मेरी अपील है, जो लोग चुन के आए हैं और मुसलमानों को बोले कि हम आपकी चीज़ों की तहफ़ करेंगे, सबसे पहले आपके हलकों में इतने मसाजिद गैर आबाद है उसको आबाद करवाइए, उसकी जो वक्फ ज़मीन है वो दिलाइए, और बालापुर के लिए भी आप लोग आगे बढ़िए। मैं तमाम चीज़ की डिटेल तो खैर बाद में दूंगा, जितना हमको लीड मिल रही है मैं निज़ाम भाई के साथ, मतीन भाई के साथ बराबर आ रहा हूँ, ये हमारी ताकत है, हम पूरे मिल के आ रहे हैं, और आवाम से नौजवानों से भी अपील करते हैं, आप तमाम लोग हमारा साथ दीजिए, ये आपकी और मेरी और कौम की चीज़ बचाना है हमको, तो बिल्कुल काम करना है। हर पार्टी के कारकुन को बोल रहा हूँ, आइए मेरे पास, बिल्कुल साथ दीजिए, हम बिल्कुल आएंगे, वक्फ बोर्ड नुमाइंदगी करेंगे, ये वक्फ बोर्ड की जायदादों को हम बचाएंगे, ये गजेटेड प्रॉपर्टी है वक्फ की, अगर इसको नहीं बचाएंगे तो हम सिर्फ आगे चल के हमारे नस्लें हमको कोसेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो ये लोग ये कमेटी केस डाल के हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके वो वापस में बैठा आ रहे हैं, सिनेमा में रखा हुआ है मस्जिद का, एक काला पत्थर है कुछ उसी में जबरदस्त कर के खत्म ले लिए, ये बंद कर देता हूं तो ये बोलिए जो चीज दी है बोलिए, हम और खुद तो उठा सकते हैं, आप बंद कर बात क्या करते हैं इसका जी, और सिक्योरिटी जी सुनिए, वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करा अभी तक, प्राइवेटली वहाँ पे कंप्लेन दिए, FIR बुक करे, इनके सामानों के साथ इन लोगों के मालियों की शटरा तोड़ के शटरा गाड़ी में डाल के लेके चले जा रही है, ना अभी तक JCP सीज हुई, ना गाड़ी सीज हुई, अभी भी बैठ के ना काम करा, वक्फ बोर्ड से FIR बुक होना है, प्राइवेट लोगों का है। गुलशन कॉलोनी कैसी है बोले तो पूरे नए लोग आए हुए हैं, फ्लैट है, पड़ोसी को नहीं मालूम है, आजकल मोहल्लेदारी जैसा थी वैसा नहीं है, ये लोगों के मस्जिदों के रसीदा है, इन लोगों को वक्फ बोर्ड का किराया बना लो, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं तोड़ दिया ना उन्हें, आप वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लेके आओ, कौन से एरिया में गुलशन कॉलोनी बनाओ, बोलो भाई कौन रोकता है, नहीं नहीं आप एक लेटर देना है पुलिस को, बोल देंगे उन्हें पर रोकने के, वही आप लेटर बनाओ, इन लोगों मस्जिद के किराएदार, बस ये मस्जिद के किराएदार हैं इन लोग, आप वक्फ बोर्ड के किराएदार बना दो, ठीक है अभी इमीडिएटली इस पे एक होना सलीम भाई इसका रिस्पॉन्स होना, हमारे को एक कॉपी दे दो, ये एप्लीकेशन दे देता हूँ मैं आपको, ये प्राइवेटली अपन करा इसको, ये फोटोज किसी के पास भी नहीं है शहर में, ये मस्जिद थी, जो मस्जिदों को क्या कर रहे हैं बड़ी मोतबरी से तोड़ दे रहे कुतुबशाही मस्जिदों, तोड़ दे के अबू बकर मोहम्मदिया मस्जिद दोगा भाई हजर हो रहा, लेटेस्ट नाम दे दे रहे हैं उसको, उसकी तहत जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पूरी चले जाए, मस्जिद कुतुबशाही के साथ वो नाम दे दो मस्जिद को जो भी नाम दे रहे हैं आप, ये चीजें हो रही, FIR आप बुक कराइए, प्राइवेटली तो हम कराए, इन लोगों को परमिशन दीजिए, तो बुलाओ ना यहाँ पर नीचे बुला लो अभी आए थे ना,
ये है, ये बाउंड्री करवा दो आप, अब ये बाउंड्री करवा दो, यहाँ पे पेशाब खाने बन जा रहे हैं। नहीं बाउंड्री का ही नहीं हमारा मुतालबा, वहाँ पे पूरा एकदम वरिष्ठ तबका है, उसको जो है ना लैंड ग्रैबर ये आपका है जी, एक्नॉलेजमेंट देना है। हेलो मांडू मंडल प्लॉटिंग कर रहे थे, क्या फंसा है अंडगुल में, मार्बल मंडल अंडगुल मार्बल मंडल, हेलो अंडगुल मार्बल मंडल, मंडल बकोट लैंड है, अभी हमारा एमआरओ आके मिलता आपसे, ये प्लॉटिंग नहीं होना होगा, रुक जाना नहीं तो सब पे क्रिमिनल केस हम होते, सर्वे नंबर 425 है वो, इमीडिएट देखो पहले हो।